नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैव धीरज है। अगर आपको लगता है आप भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हो, आप में पैशन है कुछ कर गुजरने का, आपको लगता है कि आप पूरे दिल जान जद्दोजहद से किसी काम को करते हो, पर फिर भी आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है, आप लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर क्या कारण है कि एक्चुअल में सफलता आपके हाथों नहीं लग पा रही है, या वो आपके हाथों में आके आके भी चली जा रही है। मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ जो मुझे व्हाट्सएप पे आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, इंस्टा पे आते हैं और यूट्यूब पे आते हैं। उनके हिसाब से मैं अपने वीडियोस के टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। ये एक शेफ़ का है जो कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाते थे। उनका जो वीडियोस होते थे वो फ्लूट के होते, वो कृष्ण कन्हैया की तरह म्यूज़िक वाले शेफ़ है। उन्होंने अपने नीचे लिखा है फ्लूट की वीडियोस बनाते थे और वो अपलोड करते थे। अब उनके पास कुछ भी टॉपिक्स नहीं रह गए हैं वीडियोस बनाने के लिए, अब वो कुकिंग की वीडियोस बनाना चाहते हैं। और आप में से ज़्यादा अधिकतर लोग जो भी शेफ़ लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, या वो जो भी मेरे साथ जुड़े पड़े हैं, अपने स्टार्टअप्स कर रहे हैं, ऑलरेडी उनके स्टार्टअप्स रनिंग है, आप लोगों से भी ये चीज़ें ज़रूर रिलेट करेगी। क्योंकि अगर देखें कहीं ना कहीं हम सब कामयाब होना चाहते हैं, इवन मैं भी कामयाब होना चाहता हूँ, और हम सब दिल जान जद्दोजहद पूरी अपनी मेहनत से काम करते हैं। मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख के रखी है, कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है कि आप लोगों के लिए थोड़ी सी गाइडलाइंस हो जाए कि आप किस तरीके से चीज़ों को करेंगे तो सफलता आपके पास आपके हाथों में आएगी और फिर आप जो चाहे ज़िंदगी में कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, एक स्टार्टअप कर रखा है आपने, या ऑलरेडी आपका स्टार्टअप चल रहा है, या सिर्फ आप इनिशियल स्टेज में हैं, सोच रहे हैं कि मुझे 1 साल बाद 2 साल बाद करना है, तो आपके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले यहाँ पे है आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए। जी हाँ, यू शुड लव योर वर्क। अगर आप अपने काम से प्यार करते हो तो आप देखेंगे चीज़ें अपने आप अच्छी होती हैं। पर काम से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंडली किसी चीज़ को करें जिससे कि आपको कोई रिजल्ट ना आए। जी हाँ, आपको ऐसी चीज़ें ही करनी हैं जो कि कहीं ना कहीं लास्ट में आपको एज अ कमर्शियल फ़ायदा भी पहुँचाए, जो बिल्कुल सच बात है। अगर आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपका मकसद ये भी होना चाहिए कि आपको वहाँ से बहुत ही अच्छा रेवेन्यू आए। सिर्फ ये मकसद नहीं होना चाहिए कि आपका स्टार्टअप चल पड़े। आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो आपका मकसद सिर्फ एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना नहीं होना चाहिए। आपका मकसद एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनने के साथ साथ अपने लिए अच्छी लाइफ, अच्छा पैसा, अपनी फैमिली के लिए अच्छी लाइफ, अच्छा पैसा होना चाहिए। दूसरा, यहाँ सेम, अगर आप अपने काम को प्यार करते हैं तो आप उसके प्रति कंटिन्यू करते हैं, आप लोग लगातार वो चीज़ें करते जाते हैं करते जाते हैं। जैसे कि लगभग मैंने 400 करीब वीडियो बना दी है, लगभग 400 हो ही गई होंगी। वहीं अगर आप इस जो मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखाया, वो कुछ वीडियो के बाद उनको लगा कि अब उनके पास टॉपिक नहीं रह गए हैं, तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि आपको अपने काम को लगातार करते जाना है। जब आप अपने काम को लगातार करते हैं, लोग आपको गाइड करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है जब आप सेल्फलेसली बिना किसी उसके कि आपको कहीं से कुछ मिलने वाला है, अपने ज्ञान को लोगों तक शेयर करते हो, तो लोग आपको खुद ही गाइड करने लग जाते हैं कि उनको किस तरीके की चीज़ें आपसे देखनी है। तो आपको ये सारी चीज़ें पेशेंटली करनी जानी है। और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कंटिन्यूटी बना के रखनी है, आपको लगातार ये चीज़ें करती जानी है, और इसको कमर्शियल तरीके से भी देखना है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हमेशा पैसों का ही सोचना है। कई सारी चीज़ें हम लोग ऐसे भी करते हैं जो कि हमें सिर्फ अच्छी लगती है, जैसे कि मुझे अच्छी लगती है वीडियोज़ बनाना। इवन मेरे पास कमर्शियली कुछ इससे मिलेगा नहीं, पर जो मेरा पैशन था लोगों तक अपनी नॉलेज शेयर करने का, मैं बचपन में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, मैं बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, मैं बच्चों को जो मुझसे छोटे बच्चे होते थे उनको ट्यूशन पढ़ाता था। उस टाइम मैं 10 से 12 रुपए में कुछ लेता था, पर देता नहीं था कोई, तब भी मुझे अच्छा लगता था। मैं ढेर सारे बच्चों को बिठा के कुछ ना कुछ पढ़ाता रहता था, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता था। तो जहाँ मुझे अच्छा फील होता है, जहाँ मेरा पैशन पूरा होता है, अब उसको मैं कमर्शियल कैसे चेंज करूँ वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मेरी नॉलेज के ऊपर, मेरी शिक्षा के ऊपर। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आप कहते हो आपको प्यार है अपने काम से, आप पैशनेट हो, मेहनत करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान जरूर रखनी है।
दूसरा यहाँ पे है हमारे एनालाइज का। एनालाइज से मेरा मतलब है कि आपको अपने काम की समीक्षा करनी है, आपके पास हमेशा डाटा इकट्ठा रहना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें से क्या अच्छा कर रहे हो, क्या काम करके आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्या काम करके आपको कम फायदा हो रहा है। अगर आप देखेंगे काफ़ी समय से मैं होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए वीडियोज़ बनाता था, कुकिंग के लिए वीडियोज़ बनाता था, अब मैं इस समय स्टार्टअप्स की बना रहा हूँ। मैं बना रहा हूँ यहाँ पे क्लाउड किचन के लिए के टेक अवेज़ के लिए के इस तरीके की। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं अपने चैनल को एनालाइज़ करता हूँ कि हमें इस समय किस चीज़ की ज़रूरत है। इस समय हमारे देश में हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, सिर्फ एक शेफ़ के बाद जब एक स्टेज आती है, ऐसी स्टेज जहाँ पे आप सक्षम हो जाते हो, खुद आत्मनिर्भर हो जाते हो चीज़ों को करने के लिए, तो आपको चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। अगर आप नहीं करते तो आप काफ़ी पीछे पिछड़ जाते हो। वहीं अगर हम लोग यहाँ पर एनालाइज़ की बात करें, आपको एनालाइज़ करना है कि आप कहाँ पर चीज़ें गलत कर रहे हैं। जैसे जो भी गोकुल थे हमारे म्यूजिक वाले शेफ़, इनको ये एनालाइज़ करना था, अगर लोग इनकी फ्लूट वाली वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं या देख रहे हैं तो उनसे इन्हें कांटेक्ट करना चाहिए कि भैया आपको कैसी नई वीडियोस यहाँ पे देखनी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एनालाइज़ करना अपने डाटा को और उसके हिसाब से अपने आने वाले फ्यूचर के लिए प्रोग्राम्स रेडी करना, या हमें फ्यूचर में क्या करना है आगे, ये सारी चीज़ें रेडी करना। तीसरा इसके बाद आता है हमारे रिएक्शन का। हमारे पास पैशन से हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, उसे एनालाइज़ कर रहे हैं, पर हमें उस पर रिएक्ट भी करना पड़ेगा। अगर कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें कम करनी है, ज़्यादा करनी है, हमें अपने आप को बदलना है, तो हमें बदलना होगा ताकि लोग हमें पसंद करें। क्योंकि हम यहाँ लोगों के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो रही है, हम उस पे काम कर रहे हैं। जब मैं आप लोगों के मैसेज पढ़ता हूँ, मेरे लिए मैं सिर्फ ये वीडियोस बना रहा हूँ, पर मैं जब लोगों के मैसेज पढ़ता हूँ कि उनको मेरी वीडियोस देख के इतना फ़ायदा हो रहा है, इतना बेनिफिट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं और लूँगा। एक मेरे नासिक से थे, उनका नाम प्रवीण है, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मैंने उन्हें कुछ आइडियाज़ दिए, इवन मुझे भी कुछ याद नहीं था। कुछ समय बाद उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, सॉरी उन्होंने यूट्यूब पे मैसेज डाला तो मैं यहाँ डाल दूंगा, कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ उनके स्टार्टअप में, जबकि वो काफ़ी समय से अपना बिजनेस चला रहे थे। उन्होंने मुझे अपना गुरु कहा, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और यही चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम लोग सेल्फलेसली काम करते हैं, चीज़ें अपने आप अच्छी होती हैं, पर हमें यहाँ पर रिएक्ट भी करना होगा। ये नहीं कि आप मेरी बातें सुन रहे हैं, सुन के बैठ जा रहे हैं, या मैं आपकी बातें सुन रहा हूं और मैं सुन के बैठ जा रहा हूं। आपको जिन चीज़ों पे वीडियोस चाहिए मैं नहीं बना रहा हूं, या मैं जो आपको बता रहा हूं वहां आप चुपचाप सुन के सिर्फ मज़े लेके वहां पे बैठ जा रहे हो, तो आपको यहां पे रिएक्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे लास्ट यहाँ पे मैं बोलूँगा कि भगवान इस दुनिया में जी हैं। जी हाँ, श्री कृष्ण, श्री राम, अल्लाह, राम, रहीम, जो भी कोई भगवान है, हमारे वाहेगुरु, सब इस दुनिया में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप अपनी चीज़ों को पूरी शिद्दत के साथ करते हो, पूरी इच्छा के साथ करते हो, तो चीज़ें ज़रूर पूरी होती हैं। पर आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ा सा धीरज रखना है। आप देखेंगे चीज़ें अपने आप अच्छी होने लगी हैं। और आपको जो ये मैंने चारों पॉइंट्स बताए, इनके ऊपर ज़रूर काम करना है अगर आप एक सफल शेफ बनना चाहते हो, सफल स्टार्टअप करना चाहते हो, या आप किसी भी काम के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और आपको सफलता नहीं मिल रही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगी है तो इसे शेयर कर देना। हो सकता है कि आपका एक छोटा सा शेयर है, जी हाँ, सिर्फ एक छोटा सा शेयर है, किसी की लाइफ बदल दे, क्योंकि मैंने लोगों की लाइफ ऐसे चेंज होते हैं यहाँ पे देखी है, जैसे कि मेरी खुद की लाइफ चेंज हो रही है। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।